लाकर दिया है गाइस, ये 7000 से 2520 के बीच वाली कलाकृतियाँ। ये साइड में जो सभ्यता शुरू हुई थी अपने हिंदुस्तान में कुछ इस तरीके से दिखता था। ये देखो भाई, ये देखो भाई साहब, पुरानी सभ्यता की बात ही कुछ अलग थी, हाथों से सारा काम। जो भी है नाम छोड़, नाम बड़े अजीब अजीब हैं, कुछ खतरनाक हैं। तो भाई जब भी देखो नितिन की मुंडी मुंडी दिखाई दे रही है, और ऐसे में ओ गोल गोल मत घूम। गोल गोल घूम रहे हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई हम भी बढ़िया। तो भाई आज हम आए हैं साइंस म्यूजियम में। तो भाई इसे साइंस सेंटर भी बोलते हैं, और ये भाई इधर क्राफ्ट म्यूजियम से 200 मीटर आगे है, इधर प्रगति मैदान पड़ता है दोनों के बीच में, जहाँ अभी फुटवेयर मेला लगने वाला है 8 तारीख से 10 तारीख तक के बीच में। तो भाई अभी अंदर चलते हैं, टिकट प्राइस देखते हैं और आपको दिखाते हैं कितना टिकट प्राइस है क्या, और क्या क्या चीज़ें नहीं है क्या नहीं है। भाई स्कूल टाइम में आए थे, काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी चेंज भी हो गया होगा अंदर से। तो भाई अभी चलते हैं अंदर, टिकट बताते हैं आपको टिकट प्राइस कितना है। बाहर का व्यू और देखते ही आपको, ये देखो भाई, ये देखने को डायनासोर देखने को मिलेगा, और ये इधर पार्किंग वार्किंग का एरिया, इधर यहाँ अपनी बाइक वाइक खड़ी कर सकते हो भाई, कोई चार्ज वार्ज नहीं है। तो अभी अंदर चलते हैं और भाई टिकट लेते हैं, यहाँ अंदर जाने के बाद आपको दिखाते हैं। ये इधर है भाई टिकट काउंटर, और ये जो भाई टिकट है वो है भाई ये शो वगैरह की, ये सब की भाई 70 रुपये एंट्री टिकट है, और जो आप शो देखोगे उनके हिसाब से विज्ञान शो के 20 हैं, और होलो शो के 40 हैं, और 3D शो के 40 हैं, साइंस ऑन स्पीयर 50 हैं, और एक और है तो भाई उसके 80 हैं। तो भाई ये अलग अलग है, 70 रुपये हैं। तो भाई अभी करवाते हैं एंट्री और टिकट वगैरह लेके, तो भाई चलते हैं इस तरफ से अंदर जाएंगे। तो भाई नितिन टिकट ले रहा है, ले रहा, और इधर बैग वैग जमा करने के लिए फ्रीज भाई, कोई प्राइस वगैरह कुछ नहीं लगेगा। तो भाई अभी टिकट ले रहा है नितिन, तो फिर अंदर चलते हैं। टाइमिंग है वो है सुबह 9:30 से शाम के 5:30 बजे तक, होली और दिवाली को छोड़कर केंद्र सप्ताह के सभी दिन खुला रहता है, मतलब हॉलीडेज में भी खुला रहता है, होली और दिवाली के दिन छुट्टी होती है भाई यहाँ की, ठीक है। वही अभी टिकट ले रहा है नितिन, 140 की 2 हो गई है, तो टिकट वगैरह लेके चलते हैं अंदर। टिकट आ गई है, बैग वैग जमा करवाएगा क्या? ओ बैग जमा करवाओगा भाई, देखते हैं बैग जमा करवाते हैं नहीं करवाते, कुछ कह नहीं सकते। ओ भाई अपनी पृथ्वी दिखाई देगी सबसे पहले, वो भी पानी के साथ ब्लैक कलर में, और ये बढ़िया से कर रखा है। तो भाई कैफेटेरिया भी है इधर, कैफेटेरिया ही है इधर, और इधर सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर अपनी एंट्री होगी। तो भाई अभी एंट्री करते हैं, ये देखो भाई इधर, और ये इधर पार्किंग वार्किंग का एरिया है, गाड़ी वगैरह भाई इधर पार्क कर सकते हैं भाई, कोई गाड़ी लेके आ रहा है तो बाकी अभी अंदर चलते हैं, एंट्री करते हैं, आपको दिखाते हैं। भाई ये एंट्री करते ही ये दिखाई देगा कुछ ऐसा एरिया है ये यहाँ का, इधर लिफ्ट वगैरह लगी हुई है, और ये क्या है भाई, ये अच्छा, ये भाई शो होता है एनर्जी बॉल का शो होता है भाई, इसमें बड़ा मज़ा आता है। तो अभी भाई चलते हैं यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर की साइड, ये देखो भाई साहब, ये देखो भाई ये फिश एक्वेरियम लगा रखे है इधर, चल ऊपर चल है ना, वाटर एलिक्सियर ऑफ लाइफ, तो भाई वो पानी के बारे में बता रहे कुछ थोड़ा बहुत उधर। तो अभी ऊपर चलते हैं, हम पहुंच गए हैं हमारी धरोहर। तो भाई सबसे पहले जो कलाकृतियाँ हैं, ये देखो भाई साहब, क्या गजब गजब की कलाकृतियाँ हैं भाई, ये 7000 से 2520 के बीच वाली कलाकृतियाँ, ये सब ये देखो भाई, ये 1500, ये 500, ये 1BC, 1BC से 500 AD तक। तो भाई ये देखो भाई, ये सब कलाकृतियाँ देखो भाई साहब, ये क्या बोलते हैं पहिया है, ये आपको पढ़ाते हैं थोड़ा कुछ। प्राचीन भारत में कोणार्क मंदिर का है भाई कुछ ऐसा,
सूर्य कोणार्क मंदिर का, ये देख सकते हो आप। तो भाई ये देखो कलाकृतियाँ, तो भाई ये बहुत पुरानी टाइप की कलाकृतियाँ कुछ ऐसे हुआ करती थी दीवारों पे अपने भारत में। तो भाई अभी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी ऑफ हड़प्पा जो अपनी सभ्यता थी, ये देखो भाई एंशिएंट मैप, ये पुराने ज़माने का हमारा मैप था। ये पाकिस्तान मोहनजोदारो ये सब, ये पूरा देखो भाई ये अपना मैप हुआ करता था। लाहौर ये हड़प्पा जो अपनी सभ्यता शुरू हुई थी, ये भाई इंडिया, ये इधर इंडिया, ये सब अपना क्या बोलते हैं, चलो ये भाई पुराने टाइप में जो सभ्यता शुरू हुई थी अपने हिंदुस्तान में कुछ इस तरीके से दिखता था। ये देखो भाई, ये देखो भाई साहब, पुरानी सभ्यता की बात ही कुछ अलग थी। हाथों से सारा काम होना, सब कुछ ऐसे, वाह भाई साहब क्या जबरदस्त है। ये मतलब खाना वाना बनाने के लिए था, ये सब ऐसा कुछ था। ये बैंगल्स वगैरह हाथों में डालने वालने के लिए, गले में डालने के लिए, ये कुछ अपनी ऐसी सभ्यता थी भाई। तो उधर एंट्री बंद है। तो भाई ये देखो, ये नंबर, ये कुछ अलग अलग तरीके से, ये देखो भाई साइंस, ये पता नहीं। ये भाई अभी आगे चलते हैं। ये कुछ ऐसे खाना वाना बनाने के लिए कुछ इस टाइप का कुछ हुआ करता था ऐसा, घंटी वगैरह बजाने के लिए। और ये देखो भाई, ये देखो, ये भाई टच करने के लिए मना किया है तो इसलिए टच नहीं करना। इधर से सर्कल, ये देखो भाई, अच्छा भाई कुछ ऋषि मुनि कुछ इस तरीके से खाना वाना बनाते थे अपने उसमें, जो भी उनका एरिया होता था। ये देखो भाई साहब, अलग अलग दालचीनी वगैरह ये सब मतलब तोलने के लिए अलग अलग उन्होंने बना रखे थे कि भाई इसमें इतना आएगा सामान, इसमें इतना आएगा। वही अलग अलग चीज़ें हैं सब, ये इलाज वगैरह ऐसे करते थे पहले अपने इंडिया में, सब सामान रखा हुआ है। ये देखो भाई ये सब इस तरीके से रखा हुआ है भाई, देख सकते हो। ये भी ये भट्टी बनाई हुई है थोड़ी ऊंची, तो खाना धीमी आँच पे पके और बढ़िया से पक जाए। तो भाई ये कुछ लोहार हुआ करते थे, ये कुछ इस तरीके से खंजर वगैरह और पुराने टाइप के हथियार बनाए जाते थे। वही आप ये चलते हैं आगे देखते हैं। ये देखो भाई हाथों का काम कुछ ऐसे होता था, लॉस्ट वैक्स। ये भाई कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, ख़त्म तो मतलब पुरानी चीज़ें सारी हो चुकी हैं भाई ज़्यादातर। तो भाई ये देख सकते हो, और ये इधर भाई हाथ से ऐसे काम करते थे, मशीन वगैरह यार बना रखी है इस टाइप से, ये सब सारे भवन वगैरह बना रखे हैं। तो चलो आगे चलते हैं। ये कुछ जो अपने संगीत के इंस्ट्रूमेंट्स होते थे वो सब ये हैं ऐसे, ये सब ये देखो दिन का देखते हैं। ये टाइम शुरू, ये वाला ये है, अभी इसके अंदर चलते हैं। और डायनासोर वगैरह के बारे में बताया हो भाई साहब, ये देखो जो डायनासोर की प्रजाति थी उस टाइम के बारे में दिखाया हो, कुछ डायनासोर्स वगैरह हैं। ये देखो भाई ये इधर ये ऑक्टोपस जैसा कुछ है बड़ा सा, ये भाई विशाल स्क्विड है। हाँ बिच्छू वगैरह सब पहले उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े होते थे ना, ये कुछ डाइमेट्रोडोन करके कुछ है ये भाई साहब। ये डायनासोर्स वगैरह के बारे में बताया हो भाई इसके अंदर, ये
ये भी वैसा था, थोड़ा बहुत चेंज हुआ बस इसके अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं। इधर ये देखो भाई, ये भी बड़ा डायनासोर है इस तरफ, इसको ज़्यादा स्पेस चाहिए था इसलिए ये, जो भी है नाम छोड़, नाम बड़े अजीब अजीब हैं, कुछ खतरनाक हैं गाइस। भाई मिरर मेज दर्पण का भूल भुलैया, इसमें अंदर चलते हैं भाई, बड़ा खतरनाक होने वाला है ये वाला। तो भाई साहब ये देखो भाई कितने सारे हम, अबे उधर किधर गया। तो भाई ये देखो भूल भुलैया, इस साइड आ, ये देखो भाई कितने सारे हम हैं, ये देखो भाई, दूर दूर तक दे रहे हैं। ओ गोल गोल मत घूम, गोल गोल घूम रहा है वो, इस साइड आ, अबे एग्जिट करना है इस साइड आ जा, इस साइड से। ये देखो भाई किस साइड है, हाँ हाँ इधर आ जा, आ जा आ जा। तो भाई ये ऐसा कुछ है, थोड़ा भूल भुलैया टाइप, तो क्रॉस कर लिया नितिन गोल गोल घूम रहा है। ये देखो भाई इधर इधर सब जगह एक जैसा ही है, हाँ एक जैसा ही है भाई, सेल्फ सेंटर्ड मिरर, कि हमेशा मिरर के सेंटर में ही दिखाई दोगे आप। छला बकरन, अपनी बता, तू खुद गोल गोल घूम रहा था, अपनी बता ना, उस साइड थोड़ी एग्जिट इस साइड है भाई। ये देखो भाई अलग अलग मिरर है, अलग अलग शेप होगी इसकी, ये देखो भाई। चल आज चल भाई, जब भी देखो नितिन की मुंडी मुंडी दिखाई दे रही है, और ऐसे में सिर्फ और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, हेड ऑन द प्लेनेटर। तो भाई बाकी का हिस्सा पता नहीं कहाँ गायब हो गया, अभी आएगा नितिन बाहर निकल के, सेबों के बीच एक पपीता। आपको साइंस सेंटर पूरा घुमा दिया है, मिरर वाला भी दिखा दिया आपको, और डायनासोर वाला ह्यूमन के बारे में भी बताया, अपना उसके बारे में बताया। तो भाई अभी इस व्लॉग को यहीं करते हैं ख़त्म, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।